हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे ओ की मात्रा। ये क्या है? ओ से ओखले। ओ की मात्रा कैसी होती है? ये वाली, ऊपर एक मात्रा और नीचे एक स्टैंडिंग लाइन, ठीक है? ये क्या है? ओ की मात्रा। जब हम किसी वर्ण में ओ की मात्रा जोड़ते हैं तो उसका साउंड वर्ण के साउंड के साथ जुड़ जाता है। कैसे बोलता है वो? जैसे क में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो क का साउंड कैसा आएगा? को। कैसे बोलेगा? को, ठीक है। ग में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो ग का साउंड कैसा बोलेगा? गो। कैसे बोलेंगे? गो, ठीक है। ये क्या है? कोट। क्या है ये? कोट। क में कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा। कौन सी मात्रा है ये? ओ की मात्रा। ये क्या है? मोर। मोर में म में कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा। की मात्रा जोड़कर लिखेंगे, ठीक है। वर्णों के आगे यहाँ हमने कुछ वर्ण लिखे हैं, इन वर्णों के साथ हमको ओ की मात्रा जोड़ के लिखनी है, ठीक है। क में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो उसका साउंड कैसे बोलेगा? को। कैसे साउंड आएगा उसका? को। ग में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो उसका साउंड कैसा होगा? गो। च में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो उसका साउंड कैसा होगा? चो, ठीक है। ये आपको टू टू टाइम लिख करके होमवर्क में करना है, ठीक है। छ में ओ की मात्रा छो। ज में छो। ट में ओ की मात्रा टो। न में ओ की मात्रा नो। ये आपको होमवर्क में करना है, ओके। तो आज हम ओ की मात्रा की बारखड़ी लिखना सीखेंगे, ओके। आपको भी इस बारखड़ी को अपनी कॉपी में लिखना है और उसे बार बार उसको बोल करके उसको लर्न करना है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। क में ओ की मात्रा को। ख में ओ की मात्रा खो। ग में ओ की मात्रा गो। घ में ओ की मात्रा घो, और इसमें य में कोई मात्रा नहीं लगती, ओके। च में ओ की मात्रा चो। छ में ओ की मात्रा छो। ज में ओ की मात्रा जो। झ में ओ की मात्रा झो, और य में कोई मात्रा नहीं लगती, ओके। ट में ओ की मात्रा टो। ठ में ओ की मात्रा ठो। ड में ओ की मात्रा डो। ढ में ओ की मात्रा ढो। ण में ओ की मात्रा णो। त में ओ की मात्रा तो। थ में ओ की मात्रा थो। द में ओ की मात्रा दो। ध में ओ की मात्रा धो। न में ओ की मात्रा नो। प में ओ की मात्रा पो। फ में ओ की मात्रा फो। ब में ओ की मात्रा बो। भ में ओ की मात्रा भो। म में ओ की मात्रा मो। य में ओ की मात्रा यो। र में ओ की मात्रा रो। ल में ओ की मात्रा लो। व में ओ की मात्रा वो। श में ओ की मात्रा शो। श में ओ की मात्रा शो। स में ओ की मात्रा सो। ह में ओ की मात्रा हो। श में ओ की मात्रा शो। त्र में ओ की मात्रा त्रो। ज्ञ में ओ की मात्रा ग्यो। ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और यही आपको होमवर्क में लर्न करना है, ठीक है।